इसको बारो। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं विगत कई दिनों से सांख्यिकी के में माधिका का अध्ययन किया जा रहा है। माधिका के अंतर्गत हम लोगों ने अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन करना शुरू किया था, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले माधिका है। माधिका में हमने विगत दिनों आपको माधिका के प्रमुख सूत्र पर आधारित एक सवाल का अध्ययन आपको कराए थे। मुझे विश्वास है आप उस सवाल को लगा चुके होंगे। एक सवाल भी आपको होमवर्क के लिए दिया था, आप उसे भी लगाए होंगे, लेकिन पुनः उसे दोहराने के लिए मैं आपको एक सवाल आज देख फिर दे रहा हूँ। यह बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे देख लें, मूल सूत्र पर लगा लें। इसको लगाने के उपरांत जिन्होंने कल जिसके समझ में न आया है वे आज इसका अध्ययन ठीक से कर लें। आज के बाद यह माधिका हमारा समाप्त हो रही है। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को। वर्ग अंतराल लिख लेंगे, इसके बाद वर्ग अंतराल के उपरांत हम बारंबारता लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें हमको आंकड़े में दी गई हैं, अपने तरफ से उसे कुछ नहीं लिखना है। जो चीज़ें दी गई हैं वैसे ही लिखना है। 10 से 15 दिया गया है, 15 से 20 दिया गया है, 20 से 25 दिया गया है, 25 से 30 दिया गया है, 30 से 35 दिया गया है, और यहाँ हम देखें 35 से 40 दिया गया है। ये तो रहा वर्ग अंतराल, इनकी बारंबारताएं क्रमवार हम लिख दें। 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 9 है और 5 है। ये चीज़ें हम अपने आंकड़े से देख करके नकल उतार लेते हैं। अब आगे एक नई चीज़ और बनानी है, संचयी बारंबारता। हम लोग कक्षा 9 से भी सीख के आए थे और आपको मैंने विगत दो दिनों में सिखाया भी है संचयी बारंबारता को, सारणी को बनाना। संचयी बारंबारता सारणी को हम निम्न प्रकार से बना लेते हैं। अच्छा है आप जान रहे हैं, पहले वर्ग की बारंबारता ही संचयी बारंबारता कहलाती है। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं लिखा है आपको मिलेगा, जीरो में 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 प्राप्त होता है। आप कहते हो साहब जीरो कहाँ से आ गया, मैं कहता हूँ कि पहले वर्ग की बारंबारता ही पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। जीरो हमने इसलिए लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि इसके पहले हमने कुछ नहीं था, इसके पहले जीरो था। तो हम ये जीरो प्लस 5 बराबर 5 लिखें या डायरेक्ट 5 लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप तिर्यक जोड़ते जाते हैं, 5 प्लस 6 करते हैं, कितना पाते हैं 11, 11, और इस 11 में 10 को जोड़ लेते हो, ये आपको पुनः 21 मिल जाता है। 21 में 15 को जोड़ लेते हो, 36 मिल जाता है। 36 में 9 को जोड़ लेते हो तो 45 मिल जाता है। 45 में 5 को जोड़ लेते हो तो 50 मिल जाता है। क्या यह हमारी संचयी बारंबारता सारणी सही है या गलत है, इस बात का अंदाज़ा लगाना है। हम आज बारंबारता का योग करते हैं, इसका योग कर लेते हैं। अगर यह योग हमारे इस मान के बराबर आ जाए तो कहा जाता है कि यह सारणी बारंबारता का मान सही है। आइए जोड़ लो, 6 5 11 5, 6 और 5 11 11 5 16 16 4 20 5 25 5 30 को शून्य हाथ से लगा, 3 और 3 और 2 5 हो जाता है 50। इस प्रकार से हमारा यह मान सही है। यन का मान अब आपका 50 आ गया। यह 50 सम है कि विषम? सम है, ठीक। यहाँ वैसे बहुत रोल इसका नहीं होता, वर्गीकृत आंकड़ों में हमारा यह बारंबारताओं का योग या आंकड़ों के बारंबारताओं का योग सम है या विषम है, इसका बहुत यहाँ अहम रोल नहीं है। केवल हम यन की वैल्यू प्राप्त करते हैं और यहीं पर हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, n/2 निकालोगे, 50 में 2 का भाग दोगे, प्राप्त हो जाएगा 25। यहीं से हमारे सवाल लगाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यहीं से जो हमारी प्रक्रिया चालू हो जाती है 25, या 25 हम देखते हैं कि दिए गए आंकड़ों में या 25 किस वर्ग में बिलोंग करेगा। आइए देखते हैं, 5 के अंतर्गत 25 नहीं मिला, 11 में भी नहीं मिला, 21 में भी नहीं मिला, कहाँ मिल गया?
36 में, 36 वाले कालम को पूरा हम बिल्कुल कटघरे में बंद कर लेते हैं कि ये कहीं निकल के भाग न जाए। जैसा कि हमने कल आपको सिखाया था कि जिस वर्ग में वह n by 2 की वैल्यू बिलोंग कर रही हो, मिल रही हो, उसको पूरा पूरा घेर दीजिए, और घेरते ही आपको ढेर सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको सवाल में क्या क्या चाहिए था? सवाल में L1 चाहिए, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी मिलेगी? 25। L2 मिलेगा उच्च सीमा, कितना मिलेगा? 30। F इसकी बारंबारता कितनी मिलेगी? 15। और n बाई टू कितना मिल गया यहाँ? 25 मिल गया। 25 n की वैल्यू कितनी मिल गई? कभी कभी n बाई टू लिखते हैं और कभी कभी n लिखते हैं। n का मान कितना है? 50। और सी माने इस माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, चौकोर खाने में लिख लेते हैं, आ चाहे इन्हें गोल खाने में लिख लेते हैं अलग पहचान के लिए। सी का मान 21 आया। इतना के प्राप्त होते ही हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का मान होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F कोस्ट में N बाई 2 माइनस सी। ये हमारे माध्यिका निकालने का, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का सूत्र है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम निकाल लें, मीडियन का मान निकालें, L1 का मान हम 25 रखें, गुणा भाग करेंगे आराम से निकल जाएगा। L2 का मान 30 माइनस 25, केवल आपको गुणा भाग करने हैं। F का मान 15 है, गुणा हो जाएगा 50 बटा 2 माइनस C का मान है 21। आ जाइए हम इन्हें हल कर लें। मीडियन बराबर होगा 25 प्लस 5 बटा कितना हो गया? 5/15। गुणा क्या हो गया? इसे आपने कटा दिया, 25 और 25 में से 21 निकल गया, कितना हो गया? 4। प्यारे बच्चों, अगर ये कटने लायक है तो कटा के इन्हें छोटा कर लो। 25 प्लस ये 5 × 5 = 15 हो गया, बराबर क्या हो गया? 1/3 × 4 हो गया। आप इन्हें और हल कर लो। मीडियन बराबर 25 प्लस 4 × 4 और 3/2 हो गया। भिन्न को सरल करने की विधि से आप इन्हें हल कर लो। मीडियन बराबर लघुत्तम 3 ले लो, 25 × 75 हो गया और प्लस 4 हो गया, यह मीडियन का मान निकल गया 79 = 3। प्यारे बच्चों, यहाँ मीडियन मान हो गया, यहाँ से यहाँ मैं चला आया ऊपर की ओर देख लेना, 79 में 3 का भाग दे दो, 3 × 6 हो गया, 1 × 18 हुआ, 3 × 6 = 18 कर लोगे, 1 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 बढ़ता जाएगा, 26.33। इस प्रकार से इसकी माध्यिका हो गई 26.33, जो हमारे उत्तर के रूप में निकल के बाहर आ गया। इस प्रकार से आपको श्यामपट पर लगा हुआ ये माध्यिका का सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप चाहे जहाँ जैसे इसे समझना है आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं करने हैं। आपको सारणी देखिए, 2 कालम नकल से बना लीजिए, 1 कालम अकल से बनाइए, बारंबारता को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, जो मान प्राप्त हो उसको इसमें ढूंढिए, सेम टू सेम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो लगभग में उसको पकड़ लीजिए, और पकड़ने के बाद उसको घेर दीजिए। घेरने से आपको निम्न सीमा, उच्च सीमा, बारंबारता मिल जाएगी, या ना आपको यही मिला हुआ है, और इसके संचयी बारंबारता के ठीक एक खाना ऊपर घसकिए, आपको सी मिल जाएगा। इस सूत्र को 10 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। इस सूत्र पर इनको रख लीजिए, और रखने के उपरांत भिन्नों का गुणा, जैसे हम गुणा भाग भिन्न में करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, साधारण विधि से इन्हें गुणा और जोड़ भाग कर लेंगे, कोड़ने के बाद हमारी यह माध्यिका निकल कर बाहर आ जाएगी। अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल है जो आपको समझ में न आए हो।
आप, मैं एक आध दो सवाल आपको दूंगा, आप इस पर लगाएंगे। देखिए इस मादिका में हम लोग अब एक नया प्रश्न देखने जा रहे हैं। वह नया प्रश्न मादिका का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मादिका जो निकालनी है हम उस आंकड़े का कैसे निकालें। मान लीजिए यही आंकड़ा आपको प्रश्न दिया गया है, ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो हम लोगों ने हल कर लिया था, ये दूसरा प्रश्न है कैसे हल करें। वर्ग अंतराल दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, और इनकी बारंबारता सारणी दी गई है 4, 11, 29, 40, 46, 51। प्यारे बच्चों, यह वास्तव में जो प्रश्न इस तरह का आएगा, ध्यान से सुनिए, जो प्रश्न इस तरह से आएगा वह बारंबारता सारणी नहीं होगी, बल्कि वह दी गई सारणी संचयी बारंबारता सारणी दी गई होगी। ये बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता सारणी दी गई है। यह सवाल को भ्रम पैदा कर रहा है, इसको हम लगाने के लिए हम एक नया तरीका अपनाते हैं, जो हमारे किताब के उदाहरणों से भी मैं भिन्न तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहले तो आप जैसे दिया है नकल कर लीजिए, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, नकल कर लिया आपने। इसके बाद आइए वर्ग अंतराल इनका बनाइए, 10 से कम कहाँ से होगा, यानी 10 10 का अंतर दिया है तो जीरो से आएगा। अगर यहाँ 10 से कम, यहाँ 15 से कम करते हम तो हम यहाँ 5 से 10 लिखते, ये पक्का जान लो। जब हम यहाँ 15 से कम कहे होते तो 5 का अंतर दिए होते, तो यहाँ 5 से 10 लिखते, हम यहाँ 10 का अंतर दे के चल रहे हैं, सवाल है 10 के अंतर से, इसलिए 0 से 10। 20 से कम को लिखेंगे 10 से 20, 30 से कम 20 से 30 लिखेंगे, क्योंकि 20 तक तो हो चुका है, फिर ये 30 तक हो चुका है तो 40 से कम कहाँ से जाएगा, ये ख़त्म हुआ यहाँ से शुरू करेंगे 30 से 40, 50 से कम फिर 40, इसकी उच्च सीमा या इसकी निम्न सीमा कहलाएगी, 40 से 50, फिर 60 से कम जाएंगे तो 50 से 60, अगर 70 से कम रहता तो 60 से 70 लिखते। ये काम नकल से किया, ये काम अकल से किया, फिर नकल से करेंगे। ये दी गई बारंबारता सारणी एक दी गई है, पर वो वास्तव में बारंबारता सारणी नहीं है, संचयी बारंबारता। याद रखो ऐसा प्रश्न रहेगा तो वह संचयी बारंबारता सारणी दी गई होगी, इसीलिए मैंने लिखा है बारंबारता आंकड़ों से, जो ये आंकड़ा दिया है उसके अनुसार बारंबारता है, ये वास्तविक बारंबारता नहीं है। तो ये क्या है, 4, 11, 29, 40, 4, 11, 29, 40, 46 और 51 ले लिया। अब हमको आंकड़े का शुद्ध बारंबारता निकालनी है, क्योंकि निकालना भी हमको आवश्यक है। तो पहले का तो 4 का 4 रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले वर्ग की बारंबारता संचयी बारंबारता होती है और पहले वर्ग की संचयी बारंबारता बारंबारता होती है। उलट लिखे के लिए आइए, 4 के 4 हो जाएगा। अब हम जोड़ के निकालते थे, यहाँ घटा के निकालेंगे। घटा के क्या, इसमें से इसको, यहाँ मत परेशान होइएगा कैसे लिखा गया है। आप यहाँ देखो 4 के 4 लिखिए, 11 से 4 घटाइए 7, 29 से 11 घटाइए 18, 40 से 29 घटाइए 11, 46 से 40 घटाइए 6, 51 से 46 घटाइए कितना 5। ये घटाते चले आइए, आपको घटाने का तरीका और लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा। अब पुनः हमको सवाल लगाने के लिए संचयी बारंबारता की सारणी चाहिए, क्योंकि हमको जब आंकड़ा वर्गीकृत बन गया तो संचयी बारंबारता, पहले जब हम सवाल लगाते थे इसके पहले तो ये दिया रहता था, ये दिया रहता था और ये बनाते थे और निकाल लेते थे। यहाँ हमको ये दूठो फालतू दे दिया गया है, इस फालतू के सहाले हमने सही सही चीज़ निकाला, एक ये निकाल लिया सही, एक ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया। हमको पिछले सवाल की भांति इसी से काम करना है। अब आप बारंबारता को जोड़ लो, योग कर लो भाई, योग 7, 4, 11, 8, 19, 1, 20, 6, 26, 5, 31, 1, 3, 2, 5, 51 का 51 हो गया। अब आप n/2 निकाल लो,
51 बटा 2 बराबर हो गया 26.5। प्यारे बच्चों ये कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढोगे, इनमें ढूंढोगे, इनमें 26.5 क्यों ना घर में मिली, 29 वाला घर में मिली। फिर कौनो संकोच मत करिया, इनके तुरंते पकड़ेला ना कि घर में घेर लिया, पूरा इनके कब्जा में लेला। चला अब आप धाएं से नहीं यलवन निकालिए, यलवन निकलेगा 20, अल्टू निकलेगा 30, यफ निकलेगा कहाँ, आँख मिचौनी मत करना, हाई मत लिख देना। अब ये चीज होगी, ये चीज 18, पच्चीस दशमलव पाँच होगा। तो 25.5 29 के अंतर्गत आएगा ना, चलो ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे। यन का मान हुआ 51 और सी का मान निकाल लेंगे, इसके पहले क्या होगा 11। अब माधिका निकाल लीजिए, मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा यफ, कोष्ट में N बाई 2 माइनस सी। निकाल लो भाई, मीडियन बराबर हुआ L1 हुआ 20 प्लस 30 माइनस 20 बटा यफ का मान 18 गुणा 51 बटा 2 माइनस सी का मान 11। चलो हल कर लो, मीडियन बराबर 20 धन 10 बटा 18 गुणे 51 का मतलब 25.5 ऋण 11। गुड़िया लो भाई, मीडियन बराबर 20 धन 10 बटा 18, चाहो कटा लो चाहो रहने दो, जैसा चाहो ऐसा करोगे, गुणे इनका घटा लो, कितना पाओगे 14.5 होगा। क्या सही है? हाँ सही है, 5 में से 4, ठीक। चलो मीडियन निकाल लो, अगला 20 धन इनका गुणा करोगे तो 145 हो जाएगा ऊपर और बचा हो जाएगा 18। अब आप मीडियन निकाल लो, इनका लघुत्तम ले लो, कितना हो जाएगा 18, ये 360 हो गया, अब प्लस 145 हो गया, बराबर कितना हुआ जोड़ लो, पाँचा पाँचा हो गया, 6 4 10 हो गया और 3 1 4 1 5 हो गया। 505 में 18 का भाग दे लेना, मीडियन निकल जाएगा। 505 में 18 का भाग दे के यहाँ देख लो, 505 में 18 का भाग दे लो, 18 दुना 36 हो गया, 10 में 6 गया 4, 1 45 हो गया। 18 का भाग दे लो, अरे ऐसा भाग दो जो 145 के नज़दीक पहुंच जाए, क्या होगा 18 बट्टे कितना होगा, 8 64 को 84 लगा 6, 8 1 8 6 14 लगभग 18 26 का 144 होता है, ये घटा, दशमलव बढ़ाएंगे जीरो नहीं भाग जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर, और 18 5 90 यानी यहाँ क्या हो गया 26.05, ये हमारा उत्तर मिल गया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल का उत्तर मिल गया। आप या ऐसे कम वाले जो सवाल हैं, एक आध सवाल आपको मैं दे देता हूँ देख करके, किताब में होगा तो इन्हें देखिए। अब हम लोग होमवर्क के रूप में एक सवाल ऐसा ही ले लेते हैं और ऐसी से हमारी माधिका ख़त्म हो जाएगी। ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से, 40 से, 45 सबसे कम दे रहा है और इनकी बारंबारताएं जो आंकड़ों के हिसाब से दी गई हैं वो नीचे हैं, वास्तव में ये बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारताएं हैं, जैसा मैंने पीछे सवाल लगाया है वैसे आप इन्हें लगाएंगे, इनका उत्तर 35.76 आएगा। आप हल करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। इसी के साथ ये हमारी माधिका का चैप्टर भी समाप्त हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। धन्यवाद।